हेलो स्टूडेंट। तो आज का अपना टॉपिक है गुणों में आवर्तता। गुणों में आवर्तता क्या होती है कि हम अगर आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में बात करें, तो एक निश्चित अंतराल के बाद में उनके जो गुणधर्म होते हैं, तत्वों के जो गुणधर्म थे, गुणधर्म मतलब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन थे, उनमें निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में क्या होती है, आवर्तता होती है। और गुणों में आवर्तता किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होती है। गुणों में आवर्तिता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण आती है, ठीक है। क्योंकि निश्चित, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी परिवर्तन होता है, तो उनके भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म है उनमें भी परिवर्तन होता है। एक निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में आवर्तिता होती है। और गुणों में वो आवर्तिता ही क्या होती, आवर्तिता ही क्या है, जो निश्चित अंतराल के बाद में जो गुणों में समानता आती है वही क्या होती है, गुणों में आवर्तिता होती है। गुणों में आवर्तिता जैसे परमाणु त्रिज्या होगी, संयोजकता होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी, आयनन एंथैल्पी होगी, और आयनन विभव और विद्युत ऋणता, ऐसे कुछ ये क्या है, गुणों में आवर्तिता के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस की। यहाँ पर त्रिज्या क्या होती है कि भाई कोई वही बात होगी कि यहाँ पर परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक हो गया, या कहें कि बस मैथ में होती है कि भाई केंद्र से उसके परिधि के, नाभिक से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर केंद्र क्या है, नाभिक, और परिधि क्या होगी, उसके बाह्यतम कोस हो गए, ये इसके क्या है, बाह्यतम कोस है। इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे कि नाभिक तथा उसके बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहला कोश में स्थित है, पहले कोश में स्थित होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी इसकी आर। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है तो इसकी त्रिज्या ये होगी, क्योंकि सेकेंडरी वर्तों के रूप में क्या पाई जाती है, इसमें परमाणु में कोस पाए जाते हैं, कक्षा पाई जाती है, ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, इन सकेंद्रीय वर्तों के रूप में पाए जाते हैं। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यानी कि नाभिक और उसके बाह्यतम कोस में स्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या में हम जो आधुनिक आवर्त सारणी होती, आधुनिक आवर्त सारणी कैसे होती है, यही थी आधुनिक आवर्त सारणी। इस आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता होना चाहिए कि आवर्त संख्या कितनी थी, सात थी। आवर्त संख्या कितनी थी, सात थी, और वर्ग संख्या कितने थे, 18 थे। आवर्त में तो आधुनिक आवर्त सारणी में किधर से किधर जाएगा, जाया जाएगा बाएं से दाईं ओर, जाया जाएगा बाएं से दाईं ओर, किसमें, आवर्त में, और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे किसमें जाएंगे, वर्ग में जाएंगे। क्योंकि एक ही वर्ग, वर्ग कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और 37 पंक्तियां क्या होती है, आवर्त होते हैं। इसलिए आवर्त में कहां से, बाएं से दाएं जाना है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाना है। और ऊपर से नीचे जाते हैं या बाएं से दाएं जाते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में आवर्तिता हो रही है। गुणों में आवर्तिता कैसे, हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें तो एक ही आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं, एक ही आवर्त में, किधर से किधर जाएंगे, बाएं से दाएं जा रहे हैं अपन। ये कुछ आधुनिक आवर्त सारणी वैसे बना रखी है एक प्रारूप के रूप में। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जेड बढ़ता है, और जेड बढ़ेगा तो जो नाभिक होता है, नाभिक में जो प्रोटोनों की संख्या भी बढ़ेगी, की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि पी बराबर ई बराबर जेड होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो वैसे वैसे ही जो नाभिक होता है, नाभिक से उसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन स्थित है उन पे जो बल का अनुभव करवाया जाता है, या प्रभावी नाभिक के आवेश जो होता है उसका मान भी बढ़ता जाता है। यानी कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रोटोन भी बढ़ते हैं, और प्रोटोन जब बढ़ते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान भी बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ेगा। अब प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ रहा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है जो बाहर निकलने की होती है, जो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने पर एटॉमिक जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करें, सबसे पहले हम इससे कर लेते हैं कि प्रभावी नाभिक के आवेश होता क्या होता है, फिर उसके बाद में वापस से देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे। तो प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होता है कि प्रभावी मतलब प्रभाव डालना, नाभिक के मतलब नाभिक द्वारा, और आवेश का मतलब आवेश पर, यानी कि जो नाभिक द्वारा जो प्रभाव डाला जाता है आवेश पर वही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब यहां पर न्यूक्लियस तो ये रहा और ये रहा आवेश, और न्यूक्लियस मतलब नाभिक के द्वारा इस आवेश पर या इलेक्ट्रॉनों पर जो बल अनुभव करवाया जाता है वही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। नाभिक द्वारा उसके बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर जो बल अनुभव करवाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं वापस से परमाणु त्रिज्या में। तो परमाणु त्रिज्या में अगर वर्ग में एक ही वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्योंकि जेड का मान बढ़ रहा है और प्रोटोन, ये प्रोटोन की संख्या भी बढ़ रही है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी, घटेगी। अब बात करें वर्ग की, एक ही वर्ग में ऊपर से कहां जाना है, नीचे जाना है, ऊपर से नीचे जाना है। जैसे ये एक वर्ग हो गया और इस वर्ग में हम कहां जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान घटता है, किसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो किसकी संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो किसकी संख्या बढ़ेगी, कोशों की संख्या बढ़ेगी, और कोशों की संख्या बढ़ने पर, कोशों की संख्या मतलब एन का मान बढ़ रहा है। तो देखो नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नाभिक का जो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान है वो क्या होगा, घटेगा, और घटने के कारण जो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस है, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, वापस से देख लें, परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष में स्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है क्योंकि उदासीन परमाणु होता है, और यह बढ़ने पर, सारे बढ़ने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान भी बढ़ रहा है, क्योंकि पी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगा ही। इसके कारण जो एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, उसका मान घटता है, और एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, किसकी संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है, और कोशों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक के आवेश का मान घटता है, और घटने से एटॉमिक रेडियस जो परमाणु त्रिज्या होती है वो भी बढ़ती है। तो गुणों में आवर्तिता में पहला जो गुण है वो आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना आयनिक त्रिज्या। अब आयनिक त्रिज्या क्या होते हैं कि भाई आयन बनते हैं, क्या करते हैं, आयन बनते हैं, और आयन कैसे बनेंगे, या तो कोई परमाणु उदासीन परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये तो किसकी बात थी, आवर्त की, ध्यान रखना है आवर्त में किस तरफ जाएंगे, आवर्त, और ये किसकी बात है, वर्ग की बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाना है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो पी का मान भी बढ़ता है, जेड का मान भी बढ़ रहा है, और ई का मान भी बढ़ रहा है, और जो प्रभावी नाभिक आवेश का मान इसमें बढ़ता है और इसमें घटता है कोशों की संख्या बढ़ने पर। दूसरा कौन सा है, आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट कौन सा है, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होगी कि भाई कोई परमाणु होगा, उदासीन परमाणु होगा, वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का
दान करेगा या ग्रहण करेगा। इससे पहले एक टॉपिक और रह गया, वो देख लो ना, परमाणु त्रिज्या का थोड़ा सा रह गया, एक मिनट देख लें। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में मैंने बताया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक आवेश घटता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, हलीना रब से फरियाद वाला, हलीना कर रब से फरियाद। मान लो ये चार तत्व दे दिए आपको, और इसको कहा जाए कि आप इनको परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, परमाणु त्रिज्या के, परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में कैसे करेंगे कि आपको पता है ये सारे के सारे एक ही वर्ग के तत्व हैं, और एक ही वर्ग के तत्व हैं तो ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे कम किसकी होगी, परमाणु त्रिज्या लिथियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर पोटेशियम की होगी, फिर आर्गन की होगी। ठीक है, ये कुछ रह गया था इसलिए। ठीक है, अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, आयनिक त्रिज्या के बारे में आते हैं। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है कि आयनों के जो परमाणु होता है उदासीन परमाणु, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करते हैं या करें त्याग दें, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने के कारण उस परमाणु पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, और इन आवेशों की जो त्रिज्या होती है, आवेश की त्रिज्याई, इन आवेशों की जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, कोई किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने व त्यागने से आवेश का निर्माण होता है, और इन आवेशों की जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जैसे हम बात करें कि कोई उदासीन परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की वजह से कौन सा चार्ज आता है, धनात्मक का चार्ज आता है। किसी उदासीन परमाणु द्वारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के कारण कौन सा चार्ज आएगा, धनात्मक का, धनायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होगा। अब धनायन का निर्माण जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल देगा, प्लस बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। सोडियम कितने नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 1। ये तो क्या हो गया, उदासीन सोडियम का। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 1, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि धनायन का जो आकार होता है, अपना जो उदासीन परमाणु होता है उससे क्या होता है, छोटा हो जाता है। धनायन का आकार उदासीन परमाणु से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि अगर जैसे ये सोडियम की बात करें अपन, तो सोडियम का नाभिक ये हो गया, परमाणु की बात करें सोडियम परमाणु, ये इसकी पहली कोस हो गया, और ये दूसरा कोस हो गया, और ये तीसरा कोस हो गया। अब यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी उदासीन परमाणु की, क्योंकि इसका बाह्यतम कोस ये तीसरा है। और इधर बात करें अपन जो धनायन है इसकी बात करें, तो ये नाभिक, और नाभिक के बाद ये इसका पहला बाह्यतम कोष, ये दूसरा, और ये तीसरा, तो कितने हैं, 2 कोषों में ही है कि 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यही होगी, मतलब ये तो इतनी है और ये इतनी बड़ी है, यानी यहाँ पर जब ये धनायन का निर्माण हुआ है तो इसका ये बाह्यतम कोष क्या हो गया, समाप्त हो गया। धनायन का जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष क्या हो जाता है, समाप्त, क्या हो जाता है, समाप्त। और समाप्त होने के कारण जो धनायन का आकार होता है वो अपने उदासीन परमाणु से कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक बार वापस से देख लें कि किसी भी धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्यों होता है, कि जब धनायन का निर्माण होता है तो अपना ये बाह्यतम कोष क्या हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त कर लेता है, जिससे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान बढ़ता है, किसका, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर जो
इसकी जो त्रिज्या होती है या इसका आकार छोटा हो जाता है, इसकी त्रिज्या छोटी हो जाएगी और इसका आकार भी छोटा हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करें ऋणायन का, ऋणायन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, कोई उदासीन परमाणु होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसका निर्माण होता है, ऋणायन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, कोई उदासीन परमाणु ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करने पर इसका निर्माण होगा, ऋणायन का निर्माण होता है। जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर किसका निर्माण हो जाएगा, Cl-। अब यहाँ पर बात ये देने की है कि जो ऋणायन का आकार है वो अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, उदासीन परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और यहां पर जो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान है वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है, और इसलिए प्रभावी नाभिक के आवेश का मान भी घट रहा है। इस वजह से जो ऋणायन का आकार है वो अपने उदासीन परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है, उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होने के कारण और बाह्यतम कोश में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखें कि भाई जो ये प्रभावी नाभिक के आवेश होता है ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पर अपना प्रभाव दर्शाता है, ये इलेक्ट्रॉन है इन पर प्रभाव दर्शाता है। लेकिन बात करें कि वास्तविक, वास्तविक प्रभावी नाभिकीय आवेश की, क्या इलेक्ट्रॉनों पर वास्तव में जो जितना इस नाभिक का प्रभावी नाभिक का आवेश है वो इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी पूरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कि वास्तविक प्रभावी आवेश का मान क्या होता है, जो इस इलेक्ट्रॉन पर लगता है उससे कुछ कम लगता है। उसका कारण है कि जब समान आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं, उन समान आवेशों के बीच में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काफी होते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन खूब होंगे। अब इन समान आवेशों की वजह से ये जो प्रभावी नाभिक के आवेश है उसका मान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। इन समान आवेशों की उपस्थिति के कारण जो वास्तविक नाभिक के आवेश है उसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी याद रखें। ठीक है, इसके बाद में थर्ड देखते हैं अपन कि जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम बाह्यतम कोश से तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के को अपने को क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। और वो जो ऊर्जा दी जाती है, कोई भी उदासीन परमाणु होगा उसके बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। तो थर्ड अपना टॉपिक यही है, आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा हो जाएगा या आयनन विभव, आयनन विभव। अब आयनन विभव किसे कहेंगे, कि कोई गैसीय अवस्था में कोई तत्व स्थित है और उसके उदासीन परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा दी जाएगी, जितनी हम एनर्जी देंगे वो ऊर्जा ही क्या होती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे हम सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो सोडियम परमाणु के पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, दो, और यहाँ पर दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे ज्ञात कर सकते हैं, 2n² से, ये बताई थी मैंने अपने पिछले लेक्चर में। एन क्या होती है, कोशों की संख्या होती है। और थर्ड वाले में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सोडियम की। अब इससे सोडियम प्लस का निर्माण हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे यहां से, तो इस इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जा रही है किसको, अपने को क्या करना है, बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये चाहो जैसे निकल जाएगा, क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें नाभिक के द्वारा इस पर क्या डाला जा रहा है, बल अनुभव करवाया जा रहा है, यानी कि नाभिक द्वारा इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश लग रहा है। और इस नाभिकीय आवेश को तोड़ने के लिए हम क्या देंगे, कुछ एनर्जी देंगे, कुछ ऊर्जा
ऊर्जा देंगे, इससे किसका निर्माण होता है? धनायन का निर्माण होता है। यानी गैसीय अवस्था में स्थित किसी तत्व के उदासीन परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाएगी वही क्या होती है? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहलाता है। मतलब कोई उदासीन परमाणु होगा, उदासीन परमाणु, और इस उदासीन परमाणु क्या देते हम? आयनन एंथैल्पी देते हैं, और इस आयनन एंथैल्पी को देने पर किसका निर्माण होता है? धनायन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर बात रखें कि यहाँ पर जो आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, ठीक है। अब बात करें कि जो आवर्त सारणी है उसमें ये कैसे इफेक्टिव होती है, कि कैसे इनमें चेंज होता है, कैसे घटते हैं और कैसे बढ़ते हैं, कि हम एक ही आवर्त में जाएंगे, एक ही आवर्त में जाएं और एक ही वर्ग में जाएं। तो आपको पता है कि एक ही आवर्त में कहां से कहां जाना है? बाएं से दाएं जाना है। आवर्त में किधर जाना है? आवर्त की बात करें तो आवर्त में याद रखना किधर से किधर जाएंगे? बाएं से दाएं जाएंगे। और बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। किसका बढ़ता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। और आवेश का मान अगर बढ़ रहा है, आप ये चीज देखो कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्थित है और इस इलेक्ट्रॉन पर अगर इसका आवेश का मान अगर ज्यादा है, मतलब इसको मजबूती से पकड़ के रखा है, तो इसको छुड़ाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? नाभिक द्वारा यहां पर इलेक्ट्रॉन पर जो जितना पावर लगा रहा है और उस पावर को तोड़ने के लिए, उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको बताएं यहां पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ रखा है। बात दूसरी करें, वर्ग की बात करें, तो एक ही वर्ग में किधर से? ऊपर से नीचे जाना है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की और जेड की, इनकी संख्या बढ़ रही थी, प्रोटोन की संख्या भी बढ़ रही थी ना, प्रोटोन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कोषों की संख्या बढ़ रही है मतलब नाभिक से दूरी बढ़ रही है, नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो कम हो गई, और इसको एक हल्की सी एनर्जी मिलेगी, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मतलब वर्गे में, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो क्या होता है? कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान कम होता है। एक चीज और ध्यान रखें यहां पर, कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं अपन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को कम ऊर्जा ही चाहिए होती है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, अब धनायन से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो वहां पर तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो ज्यादा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो ज्यादा ही, प्रोटॉन तो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो कम ही हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा आवेश लगेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होगा, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होने पर अपने को जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और तीसरे के लिए और भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आयनन एंथैल्पी आ गई समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो बात होगी कि कोई उदासीन परमाणु हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो उसे तो हम आयनन एंथैल्पी कह रहे थे, लेकिन कोई उदासीन परमाणु क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, और उस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा जो मुक्त होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। अपना थर्ड बाद में फोर्थ है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या
इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी कि भाई वही उदासीन परमाणु होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या करेगा, ऋणायन का निर्माण करेगा, और उस ऋणायन का निर्माण करने के बाद में जो ऊर्जा मुक्त होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इसका मान देखो धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी हो सकता है, यानी उदासीन परमाणु होगा, उदासीन परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण किसका निर्माण होता है, ऋणायन का निर्माण होता है, और ऋणायन के निर्माण के कारण क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, और ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। ठीक है, अब बात करें अपन कि आवर्त में किस तरफ से किस तरफ जाएंगे और वर्ग में किस तरफ से किस तरफ, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बाएं से दाएं जाए या ऊपर से नीचे जाए, कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है, ये हम देखते हैं। देखो अगर हम एक ही आवर्त की बात करें, एक ही आवर्त की बात करते हैं, तो आवर्त में क्या करना है, अपने को बाएं से दाएं जाना है, बाएं से दाएं जाते हैं, और बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है। ये आपको पता चल गई होगी कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या बढ़ती है, इससे नाभिक आवेश का मान बढ़ता है। वर्ग वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, मतलब नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, और इसका जो प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम हो जाता है। अब एक ही आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ता है, बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट विद्युत ऋणता, नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता देखो, विद्युत ऋणता को हम देखो जैसे समझते हैं कि दो असमान परमाणु होते हैं और उन दो असमान परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंध होता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, ये रासायनिक बंध है, और इस बंध को निर्माण के लिए क्या भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। बंध निर्माण में किसका बंध निर्माण में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही क्या बनता है, ये बंध बनता है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को जो परमाणु अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करके रखता है वो ही क्या होता है, विद्युत ऋणता होता है, क्योंकि सभी की विद्युत ऋणता तो क्या होती है, अलग अलग होती है, समान तो हो ही नहीं सकती, वैसे कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग बराबर ही होती है, इसलिए ये बंध बीच में होता है। ठीक है, कि कोई परमाणु, दो असमान परमाणु होंगे उनके बीच में जो रासायनिक बंध होता है, उस रासायनिक बंध के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वही क्या होता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। अब सब एक बात हमेशा याद रखना कि विद्युत ऋण सब आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। और फ्लोरीन कौन से में आता है, सत्रहवें वर्ग में आता है, मतलब यहां आता है फ्लोरीन और यहां आएगा, तो इसका मतलब याद रखना कि हम आवर्त में कहां जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा, क्योंकि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, तो फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, श्योर सी बात है। ठीक है, आवर्त में किधर जाना है, बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है।
विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ता है, और वर्ग में, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता तो फ्लोरीन की ही होती है, और फ्लोरीन की तरफ ही जा रहे हैं तो बढ़ेगा, और फ्लोरीन से अगर नीचे जाएंगे तो घटता ही जाएगा, ठीक है। तो आपने जो गुणों में आवर्तिता के जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ा, कौन कौन से गुण पढ़े, परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा, आयनिक त्रिज्या के बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में, और फिफ्थ पढ़ा आपने विद्युत ऋणता के बारे में, कम्प्लीटली पढ़ लिया। तो हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।